नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज हम फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, पुनः उसको वर्गीकरण किया गया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है जो ये आप देख पा रहे हैं, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए, इसको दो डिवीज़न में वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत उसको दो डिवीज़न में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले अग्नेथा, जिनमें कि जौ नहीं होते, जबड़ों का अभाव होता है। दूसरे गनेथोस्टोमेटा होते हैं, जिसमें जौ होते हैं यानी जबड़े उपस्थित होते हैं इनमें। ठीक है, अग्नेथा अग्नेथा क्या है, जिनमें जबड़ों का अभाव होता है, और गनेथोस्टोमेटा क्या होते हैं, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। अब देखिए, अग्नेथा के अंतर्गत जो इसको फर्दर हमने क्लास में डिवाइड किया है साइक्लोस्टोमेटा में, जबकि अग्नेथा को देखो सुपर क्लास, दो सुपर क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक पाइसिस में और दूसरे टेट्रापोडा में, एक पाइसिस में दूसरे टेट्रापोडा में। अब देखिए, जो पाइसिस हैं जिनमें क्या बियर्स फिन्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें फिन्स होते हैं, फिन्स उपस्थित होते हैं, और इनकी हम टेट्रापोडा की बात करते हैं तो इसमें लिम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि पाद पाए जाते हैं, लिम्फ उपस्थित होते हैं। अब इसको फर्दर पैसेस को और क्लास में, ये देखिए सुपर क्लास है और यहाँ को क्लास है, तो याद रखने बात ये है कि गनेथोस्टोमेटा को क्लास में डिवाइड किया गया है पैसेस में और टेट्रापोडा में। फिर जो पैसेस और टेट्रापोडा है इनको फर्दर क्लास में डिवाइड किया, यानी इनको सब क्लास में डिवाइड किया गया सुपर क्लास में, और फिर यानी ग्रैंथोमेस्टा को सुपर क्लास में और पाइसिस को और टेट्रापोडा को फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, इसमें कॉन्डिक्थीस और ऑस्टिक्थीस, ठीक है, यानी पाइसिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्डिक्थीस और ऑस्टिक्थीस। फिर टेट्रापोडा जिसमें लिम्स पाए जाते हैं, इनको इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, आराम आ रा म, कैसे आ रा, ठीक है, यानी आ से एम्फीबिया, रा से रेप्टाइल्स, इ से एविस, एम से मैमेलियंस। ठीक है, तो आराम से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, इसके बाद हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत सभी प्राणी, जिसमें सभी प्राणी कुछ मछलियों के वहाँ पर जीवी होते हैं, यानी कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो जो मछलियाँ होती हैं उनके एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, यानी कि साइक्लोमेटा द ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिशेस, यानी कि जो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं कुछ मछलियों, यानी कि कुछ मछली यानी सभी प्राणी कुछ मछलियों पर एक्टोपैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, वहाँ परजीवी होते हैं। इनका शरीर जो होता है लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है बॉडी, और इसमें हम बात करते हैं तो 6 से 15 श्वसन के लिए, श्वसन के लिए, ठीक है, 6 से लेकर के 15 जोड़ी श्वसन के लिए क्या होते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, गिल्स स्लिट्स होते हैं फॉर द रिस्पायरेशन। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ मछलियों पर, और इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी गिल्स स्लिट्स यानी कि क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। साइक्लोमेटा की बात करते हैं तो इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा, यानी जबड़ा नहीं होता है साइक्लोमिस्टा में, बिना जबड़ों का सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, यानी कि सकिंग मीन चूसक और वृत्ताकार मुख होता है, यानी कि इनमें वृत्ताकार मुख होता है, सर्कुलर मुख होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाया जाता है जो कि बिना जबड़े का होता है, यानी जगड़ जबड़े का अभाव होता है। तो ये बात आप याद रखिए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है, सल्क यानी स्केल्स यानी कि सल्क पाए जाते हैं, युग्मित पंखों यानी कि स्केल्स होते हैं जो इसमें अभाव होता है, और पेयर फिन्स इसमें यानी कि इसमें स्केल्स और पेयर फिन्स का अभाव होता है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है इनका। ठीक है, कपाल और मेरुदंड कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस होते हैं। और इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो परिसंचरण तंत्र जो इनमें होता है, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो परिसंचरण तंत्र क्लोज टाइप का होता है, सर्कुलेशन ऑफ क्लोज टाइप होता है सर्कुलेशन सिस्टम। अब साइक्लोस्टोमेट्स और मेराइन होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या ये मेराइन होते हैं? लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, श्वानिंग के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि जनन के लिए कुछ क्या करते हैं, जनन के लिए ये अलवणीय जल में यानी फ्रेश वाटर में ये प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और आफ्टर स्वानिंग विदाउट ए फ्यू डेज दे डाई, और वहाँ क्या कर जाते हैं, जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। और इसके जो लार्वा होता है वो कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं, लार्वा जो होते हैं कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। लार्वा ऑफ रिटर्न आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू दी ओशियन, लार्वा वापस ओशियन में लौट आते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेट्रामाइजून, लैम्प्रीज जिसको बोलते हैं, मैगजीन जिसको हैगफिश बोलते हैं। तो याद रखने योग्य बात ये, पेट्रामाइजून जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और मैगजीन जिसको हैगफिश बोलते हैं, पेट्रामाइजून लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्टो पैरासाइट होते हैं सम फिशेज में, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं एक्टो पैरासाइट होते हैं कुछ मछलियों पर, और एलोंगेटेड बॉडी होती है जो 6 से 15 पेयर्स, इनमें गिल्स लिस्ट पाए जाते हैं। साइक्लोमेटा में सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा बिना जा का बिना जबड़े जबड़े रहते, और बॉडी जो होती है इसमें स्केल्स और पेरिडेंस नहीं होते, स्केल्स और पेयर फिन्स नहीं होते हैं। क्रेनियल और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस का बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है, मेराइन होते हैं लेकिन माइग्रेट कर जाते हैं श्वानिंग टू फ्रेश वाटर स्वम। ठीक है, आफ्टर श्वानिंग क्या होता है, फ्यू डेज कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं, और लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद पुनः समुद्र में पुनः ओशियन में वापस आ जाता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं पेट्रोमाइजन लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लर्न करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने शतंग ज्ञान संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे बिना बाधा के आपको वीडियो लगातार मिलते रहें और आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।